नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार न्यूट्रल ट्रेड कर रहा है, आज वीकेंड से पहले वीकेंड पे आ गया है मार्केट। कल बाजार कह रहा है कि भैया मैंने कल बहुत काम करा है, 500 पॉइंट की तेजी दिखाई है, वन साइडेड बड़े दिन की गिरावट के बाद मैं भागा था, अब मैं रिलैक्स करूंगा 3 दिन आराम से। तो निफ्टी अभी तक तो छुट्टी के मूड में दिख रहा है, कुछ नहीं करने को तैयार है, बट ब्रॉडर मार्केट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, 60,000 का लेवल निकाल दिया भाई साहब मिड कैप इंडेक्स ने, मुबारक हो आप सभी को। 432 पॉइंट्स की तेजी मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ये स्टॉक्स। तो स्मॉल कैप भी ऑलमोस्ट 20,000 की तरफ धीरे 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 इंच कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने आप को। दोस्तों ऐसे में बाजार की तेजी में मैं आपके साथ एक सेक्टर ग्रुप शेयर करना चाहूंगा, एक थीम शेयर करना चाहूंगा और उनसे कुछ स्टॉक्स भी। मैंने पहले भी काफी बार बात करी है और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इससे पहले वाली उसमें मैंने इसके बारे में बात करी थी, तो मैंने कहा क्यों ना एक डिटेल वीडियो अगेन बनाई जाए। दोस्तों सेक्टर थीम है हाउसिंग फाइनेंस की, जो ये डायरेक्टली घर को फाइनेंस करने का काम करती है ना कंपनियां उनकी। और आपको याद होगा जब बजट आया था तब मैंने ये मुहिम छेड़ी और ये वीडियोस बनाई थी कि सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को बड़ा बूस्ट करने जा रही है, जहां गवर्नमेंट अराउंड 10 करोड़, अभी मैं एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बजट निकले समय बीत गया, दिमाग से निकल जाती हैं बातें, बट फिर भी जहां तक मुझे याद है 10 करोड़ अफोर्डेबल घरों को बनाने की बात कर रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों की बात करिए, इन सबको फाइनेंस करने वाली कंपनियां भी तो बढ़ेंगी आगे, और उसी से रिलेटेड एक्शन दोस्तों बड़ा एक्शन चल रहा है तब से अभी तक। आप पहले स्टॉक्स के नाम नोट करो क्योंकि नाम ही नहीं पता बहुत सारे लोगों को, घर को फाइनेंस करने वाली कंपनियां कौन सी हैं नहीं पता, बैठ गए दिमाग लड़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो पहले नाम नोट करो। वैसे तो सारी NBFC सारी बैंकिंग कंपनियां जो है वो फाइनेंस करती हैं, होम लोन सब करते हैं, जो काम कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन डायरेक्टली होम फाइनेंस कंपनियां कौन सी हैं नाम सुनो। आपका पहला आ जाता है PNB हाउसिंग फाइनेंस, देन आपका आ जाता है कैनफिन होम्स, देन आपका आता है होम फर्स्ट फाइनेंस। ये तीनों डायरेक्टली बड़े लेवल पे घर को फाइनेंस करने वाली हैं। एक नया खिलाड़ी भी उतर रहा है बाजार में दिग्गज, वो है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एक और है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये 5 कंपनियां हो चुकी हैं। अब और भी सुनो, आवास फाइनेंशियल अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत अच्छा कर रही है आवास फाइनेंशियल, दोबारा नाम नोट करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पीरामल एंटरप्राइजेस। अब और भी एक छूट गई तो मुझे नहीं पता, बट ये बड़े लेवल पे 7 कंपनियां ये मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। अब अगर मैं 3 कंपनियों की बात करूं, होम फर्स्ट फाइनेंस, कैनफिन होम्स और PNB हाउसिंग, तो होम फर्स्ट फाइनेंस आज बड़ी रैली दे रहा है, लाइफाई हिट कर रहा है। PNB हाउसिंग फाइनेंस कंटिन्यू बड़ी रैली में चल रहा है, लाइफाई हिट कर रहा है। कैनफिन होम्स में अभी उतना बड़ा मूव नहीं बना है, मेरे को लगता है कैचअप रैली के लिए कैनफिन तैयार है, हालांकि इसने भी आज अपना 52 वीक हाई लाइफ हाई हिट कर दिया है आई थिंक, बट ये और मूव दे सकता है यहां से। केवल 16 के पी पे कंपनी उपलब्ध है कैनफिन, और बहुत प्यारी कंपनी है। अगर पूरे हाउसिंग सेगमेंट को देखोगे ना आप, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो अभी आने वाली है मार्केट में, IPO बंद हो चुका है, उसका सबसे बेहतर एसेट क्वालिटी है, यानी कि जो पैसा देते हैं वो वापस आ जाता है। केवल 0.11 NNPA है, 0.11% का, अगर उसके बाद कोई है तो वो कैनफिन होम्स है दोस्तों, जिसका NPA 1% के नीचे है, GNPA 1% के नीचे है, NPA तो 0.47% है, GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी 1% के अंडर है, तो वो अपने आप में कैनफिन होम्स को एक बेहतर कंपनी बनाता है एसेट क्वालिटी के मामले में। तो कैनफिन होम्स को आपको जरूर रडार पे रखना चाहिए। अब आता हूं मैं होम फर्स्ट फाइनेंस पे, ये 35 के पीई पे है। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं, ये आपके लिए 19 के पीई पे है, ये भी सस्ती थी लेकिन अभी क्योंकि भागा शेयर तो थोड़ा महंगा हुई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये चलता ही नहीं है शेयर यार, पता नहीं क्यों नहीं चलता, ये हालांकि सबसे सस्ता है, 8 के मल्टीपल्स पे मिल रहा है, बट ये चलता नहीं है, प्रॉब्लम इसके साथ कुछ अलग ही लेवल की रहती है हमेशा, 8 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, सबसे सस्ता यही है, बट अलग ही लेवल का कहानी है इसकी। अब थोड़ा NBFC टाइप हो जाता है ये आवास फाइनेंशियल्स, आवास इसमें भी घर आता है देखो आवास, ठीक है, और 28 के पीई पे है, बहुत अच्छी कंपनी है ये भी, बहुत ही ज्यादा मतलब
आराम से स्लो एंड स्टडी ग्रोथ करने वाली कंपनी है। पर्सनली मैं ब्रांचेस वगैरह में भी इनके पास गया हुआ हूँ, तो ये लोन वगैरह जब देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से देखते हैं। हमने भी रिसेंटली लिया तो हमने चेक कराया था, देन देखा हमने चीज़ों को परखा, कैन पीरामल भी हमने चेक किया है, तो ये सारे के सारे में मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कराया मैंने, तो बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं। आवास फाइनेंशियल की बात करें तो ये AU स्मॉल फाइनेंस से बनी कंपनी है जहाँ तक मेरे को पता चल रहा है। अभी आवास फाइनेंशियल पे मैं बुलिश हो रहा हूँ लॉन्ग टर्म पर्पस से। मीडियम शॉर्ट टर्म में कैनफिन होम अच्छा कर सकता है और ये PNB हाउसिंग तो कर ही रहा है, हालांकि बहुत भाग गया तो किसी भी दिन एक डिप आ सकती है, उसका डर हमेशा बना रहता है। बट ये थीम आपके लिए रडार पे चल रही है और रहनी चाहिए। देखो इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर चीज है वो ये कि अगर आपके पास पोजिशन है किसी स्टॉक में तो प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी मत करना, आप प्ले करो इन थीमों को। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, कंफर्ट में है। होप आपको मैं सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।